हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी डिप्सर और डिप्सर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एम फार्म के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो एम फार्म का एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 3। अब कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है, कितने सीट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, तो मैं बना दूंगा, नहीं तो दैट इज़ फाइन। ठीक है, अगर आप लोग खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एम फार्म के लिए जो डेट है 3/7/2023 से लेकर यहाँ पे लैटरल एंट्री बी फार्म एंड एम फार्म MBA MPH MPT एग्जीक्यूटिव एम फार्मा MSc स्पोर्ट्स साइंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। MSc नया निकला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, तो अगर आप लोग कोई चाहते हो कुछ नया ट्राई करने का तो ये कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। एंड 21/7/23 को है लास्ट डेट हमारा। मेरिट लिस्ट निकलेगा हमारा, डिस्प्ले होगा ये 1/8 के अराउंड, और 17/8 को होगा हमारा डेट ऑफ एडमिशन, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा पहला जो डेट्स है, राइट। अब यहाँ पे आपको आना होगा एडमिशन के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी फॉर्म फिलअप के गाइड्स, क्या कुछ रूल्स एक्सेट्रा, सब कुछ जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉस्पेक्टस को एक बार देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेंगे प्रॉस्पेक्टस को। प्रॉस्पेक्टस में आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएंगे। और एम फार्म का जो एडमिशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे जो सीट्स वगैरह है, क्योंकि दिल्ली नॉन दिल्ली, दिल्ली डिप्सर नॉन दिल्ली, नॉन डिप्सर नॉन दिल्ली, जीपैड दिल्ली जीपैड, बहुत कुछ है यहाँ पे। अब उसके लिए एक अलग से वीडियो हो जाएगा ये यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये सारे कुछ है, एडमिशन कमेटी ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे स्टूडेंट्स का इतना कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन डिप्सर में है, कौन डिप्सरों में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट्स है, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये सारे सब्जेक्ट हमारा डिप्सर में है। अब यहाँ पे दिल्ली के कितने सीट्स है, दिल्ली जनरल, दिल्ली SC, दिल्ली ST, दिल्ली OBC एक्सेट्रा। नॉन दिल्ली के कितने सीट्स है, डिफेंस कोटा कितने हैं, दिल्ली EWS कितने हैं, दिल्ली नॉन दिल्ली नॉन डिप्सरू कितने हैं, दिल्ली नॉन डिप्सरू कितने हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। इन सब में हम लोग जाएंगे नहीं, बाद में जाएंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि मैक्सिमम सीट्स कितने हैं। तो यहाँ पे 12 सीट है, यहाँ पे 8 8 8 एंड 6, तो ये सारे कोर्सेस हमारा अवेलेबल है डिप्सर में। अब डिप्सर और डिप्सरू में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसा मत समझो कि ये ख़राब है ये अच्छा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। दोनों ही सेम है, दोनों ही बेस्ट है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो थोड़ा कोर सब्जेक्ट के हट के आप लोग नॉन कोर सब्जेक्ट भी डिफरेंट है ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी अलग से है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपको दोनों जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। एनालिसिस मिल रहा है आपको, बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री मिल रहा है, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है फॉर द नॉर्मल जनरल स्टूडेंट्स। और कुछ एग्जीक्यूटिव एम फार्म है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये किसके लिए है मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ये जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट सर्विस मतलब CDSCO, IPC या स्टेट FDC है, FSSI है, NADA है, इनमें। और कुछ इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड है, मतलब इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो बहुत दिन से, आप करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, इनके लिए भी। ड्रग रेगुलेटरी साइंस, मतलब जो उनको रेगुलेटरी के जरिए जानने की ज़रूरत है, उनके लिए ये कोर्स ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो उनके लिए ये कोर्सेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए है, तो इनको एक बार ध्यान से देख लो। OBC कैटेगरी रिजर्वेशन एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ओके, NCT ऑफ दिल्ली। OBC सर्टिफिकेट मस्ट बी एकॉम्पेनी टू द वैलिड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन जो है OBC का, वो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए है। एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम द एक्सेट्रा एक्सेट्रा डू नॉट फॉलो अंडर NCT ऑफ दिल्ली, मतलब आउटसाइड दिल्ली कौन कौन से बता दिया गया यहाँ पे। कश्मीरी माइग्रेंट रिजर्वेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज पर द गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। स्कॉलरशिप फॉर एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप एम फार्म टू द यूनिवर्सिटी एज ऑफ नाउ, AICT गाइडलाइंस आर वेटिंग, ये हम सभी को पता है। AICT फिलहाल एम फार्म को नहीं दे रहा है स्टाइपेंड, तो जब तक कौन देगा ये पता नहीं चल जाता तब तक ये कोई डिस्प्यूट इशू है एक्चुअली में। लोग मुझे कमेंट मत करो सर आप एक जगह पे बोल रहे हो नहीं मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने कभी भी नहीं कहा नहीं कहा नहीं मिलेगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि AICT नहीं देगा। मुझे कैसे पता होगा कि कौन देगा, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो हूँ नहीं PCI से, तो मुझे कैसे पता होगा कि देगा कि नहीं देगा। बस मैं कह रहा हूँ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहा है AICT नहीं देगा, जो कौन देगा वो जब बताया जाएगा PCI से या फिर गवर्नमेंट से, तब मैं भी आपको बताऊंगा, तब आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मास्टर ऑफ फार्मेसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है भाई, एलिजिबिलिटी सिर्फ आपको बी फार्म चाहिए,
और बी फार्म में आपका 55% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और PCI नोटिफिकेशन एवरी स्टूडेंट्स इनको सभी को मैंडेटरी है, आपको स्टेट से रजिस्ट्रेशन निकालना है विद इन 3 मंथ्स, आपको टाइम दिया जाएगा सब, आई थिंक अगस्त तक टाइम दिया जाएगा आप सभी को। और मैंडेटरी है माइग्रेशन को, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी रिलैक्सेशन दिया है 5% SC ST OBC और PWD को। बाकी जी बेसिस ऑफ सिलेक्शन मतलब किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे एमफार्म को, तो GPAT क्वालिफाइड को GPAT के रैंक और स्कोर पे, नॉन GPAT को आपके सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का जो मार्क्स है उस मार्क्स या फिर जो CGPA है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा अगर आपके पास GPAT कुछ नहीं है तो, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग अपना CGPA को परसेंटेज में इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ठीक है। ओके, अब देखो GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा एडमिशन का, अगर सीट बचते हैं तो नॉन GPAT को मिलेगा, ठीक है। 50% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द NCR ऑफ दिल्ली विद वैलिड GPAT स्कोर एंड हैव कंप्लीटेड बी फार्म एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन। रिमेनिंग 85 स्टूडेंट्स आर टोटली फिल्ड विद ग्रेजुएटेड पास आउट ऑफ दिल्ली आइदर दिल्ली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी विद वैलिड GPAT स्कोर इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस ऑफ दिल्ली, मतलब GPAT और दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को 85% सीट्स मिलेगा, 50% मिलेगा आउट ऑफ दिल्ली को, मतलब नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स को। अब हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों क्राइटेरिया एक्चुअली। अब ये 85% जो है उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देख लो नॉन GPAT के बारे में क्या बताया गया है कि नॉन GPAT सीट्स विल बी ऑफर्ड ऑन द कंडीशन दैट दे विल नॉट बी गिवन एनी स्कॉलरशिप, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, आप बस पढ़ोगे वहाँ पे अगर मिले तो चांस। मेरिट लिस्ट ऑफ द नॉन GPAT कैसे कैसे होगा ये तो मैंने बताया, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं आपके BFARM के उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारा एडमिशन लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, इसी में सब है, ठीक है। अब सबसे देख लो, नीचे से देख लो, सबसे पहले नॉन दिल्ली नॉन GPAT, आपके पास GPAT भी नहीं है, अब दिल्ली से भी नहीं है, तो आपके पास सीट तभी होगा जब ये सारा लेफ्ट साइड से राइट साइड से आकर मिलते हैं, जो वो होता है नॉन दिल्ली GPAT, मतलब नॉन दिल्ली तो है बट उसके पास GPAT है, तो ये तक लास्ट आते हैं, राइट। उसके बाद अगर कुछ सीट बचते हैं तो मिलेगा इस पर, ये कोटा नहीं है कोई कि इसके लिए 1% है, इसके लिए 2% है, ऐसा कोई कोटा नहीं है। हर जगह पे लिखा है कि सीट अगर वैकेंट बचता है तो वो इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, वो नीचे जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखो डिप्सरू GPAT, मतलब डिप्सरू से उसने BFARM किया है और वो GPAT क्वालिफाइड भी है, उसको मिल गया 70% सीट्स। अब 70% से अगर कोई वैकेंट गया एक दो सीट, तो वो जाएगा नॉन डिप्सरू GPAT, मतलब डिप्सरू से उसने नहीं किया लेकिन दिल्ली के कैंडिडेट है वो और GPAT क्वालिफाइड भी है। फिर अगर कोई सीट बच गया उस सीट में से, वो मिलेगा डिप्सरू बट नॉन GPAT, मतलब डिप्सरू से किया है उसने बट GPAT क्वालिफाइड नहीं है, मतलब GPAT क्वालिफाइड नहीं है बट डिप्सरू से है, तो दिल्ली से तो है ही, राइट। तो ना भी हो सकता है बट डिप्सरू से है, वो BFARM किया है। अगर फिर से सीट बचते हैं तो नॉन डिप्सरू नॉन GPAT लेकिन दिल्ली से है, मतलब दिल्ली का कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ ये पूरा, ठीक है, ये सारे दिल्ली के लोग हैं। अब नॉन डिप्सरू नॉन GPAT को मिल गया, फिर से अगर कोई सीट बचता है तो मिलेगा नॉन दिल्ली GPAT को, ओके। फिर अगर कोई बचता है तो मिलेगा नॉन दिल्ली नॉन GPAT को, ठीक है, नॉन दिल्ली नॉन GPAT, ये दोनों याद रखना, नॉन दिल्ली नॉन GPAT और नॉन दिल्ली GPAT, ये इससे अलग है, ये पूरा इसके अंडर है, ये पूरा इसके अंडर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा नॉन डिप्सरू GPAT को, फिर डिप्सरू GPAT को, नॉन डिप्सरू GPAT नॉन GPAT को और डिप्सरू नॉन GPAT को, मिलने के बाद जो वैकेंट होता है वो इन दोनों को मिलेगा, मतलब इन दोनों का चांसेस मैक्सिमम मान के चलो कि 4-8% या ऐसा कुछ, मतलब पूरा कोई कोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये समझ लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ था, आई थिंक मैंने आसानी से समझा दिया आप सबको, हो गया यहाँ पे और कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है मैंने बता दिया ऑलरेडी आप सबको। अब यहाँ पे बेसिस ऑफ एडमिशन ये अनदर कोर्सेज के लिए है, तो इन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो आप अगर इनमें एडमिशन लेते हो कुछ MPT वगैरह वगैरह, तो आप लोग ये PDF को पूरा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गाइडलाइंस की क्या बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। PG1 जो कोर्स है वो MFARM के लिए है, MBA के लिए PG2 है, PG3 बाकी कोर्स के लिए है और PG5 है एग्जीक्यूटिव MFARM के लिए, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्चुअली में, आपका GPAT स्कोर कार्ड अगर आप चाहिए, अगर आप हो GPAT क्वालिफाइड तभी, नहीं तो नहीं चाहिए, ठीक है। फी रिफंड पॉलिसी को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले तो आप
ये जो गाइडलाइंस एंड हेल्प वाला फॉर्म है, मतलब PDF, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करता है, A to Z आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है इतना खास। फिर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं करोगे तो दैट इज़ फाइन, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी इस पर, कोई दूसरा कॉलेज पर बनाऊंगा। इस पर पढ़ लोगे तो आई थिंक नहीं लगेगा। यहाँ पर चले जाना कैंडिडेट लॉगिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे आ जाना। फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ठीक है। फॉर्म भरना, बस सिंपल साइन अप कर लेना। फिर एक अपने मोबाइल पे या ईमेल पे एक एक्टिवेशन कोड आएगा, उस एक्टिवेशन कोड को देकर एक्टिव कर लेना अकाउंट को, देन साइन इन पे जाना, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, सीट्स बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, मोड ऑफ एडमिशन, कैसे एडमिशन होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी, सारा कुछ मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करो, यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।